काला नमक धान को बनाएंगे बासमती की तरह अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड। CII कृषि और खाद तकनीक समारोह 2020 तथा भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि सप्ताह के शुभारंभ में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा वाराणसी को सब्जी निर्यात का हब बनाने की दिशा में होगा काम। गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खुशबू और स्वाद में बेमिसाल पौष्टिकता से भरपूर काला नमक धान को बासमती की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई जाएगी। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद और कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को CII कृषि और खाद तकनीक समारोह 2020 तथा भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि सप्ताह के शुभारंभ करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध के काल से ख्याति लब्ध काला नमक धान यूं तो सिद्धार्थनगर जनपद के लिए ODOP योजना में सम्मिलित है, लेकिन इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI पूर्वांचल के 11 जिलों के लिए प्राप्त है। ऐसे में काला नमक की संभावना बढ़ जाती है, ब्रांड बनने से इसका निर्यात भी बढ़ेगा और किसानों की आय में इजाफा भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ODOP में अनेक कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है, हमारी सरकार के लिए शुरू से ही अन्नदाता किसानों का हित सर्वोपरि रहा है। कृषि ऋण माफ़ी से लेकर PM फसल योजना, PM किसान सम्मान, प्रधानमंत्री सिंचाई जैसी योजनाएँ इसका सबूत है। किसान हितों के मद्देनज़र किसान मंडियों को आधुनिक बनाया जा रहा है, इनमें से 24 में कोल्ड स्टोरेज और राइपेनिंग चैम्बर भी होंगे। अमरोहा व वाराणसी में स्मैंगो पैक हाउस का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,00,000 करोड़ आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत मिले 1,00,000 करोड़ रुपए के PM पैकेज के जरिए पंचायत स्तर पर गोदामों का निर्माण होगा। प्रदेश में सर्वाधिक 92% किसान लघु सीमांत हैं, सरकार का इन पर विशेष ध्यान है। ब्लॉक स्तर पर गठित होने वाले कृषि उत्पादक संगठन FPO इन्हें खाद प्रसंस्करण लगाने वाले उद्यमियों से जोड़ेंगे ताकि उन्हें अपनी उपज का वाजिब दाम मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश किसानों के हित में मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला अग्रणी राज्य रहा है। यूपी में 45 कृषि उत्पादों को मंडी शुल्क से मुक्त किया गया है। यही नहीं, कोरोना के असाधारण संकट के दौरान रबी की फसलों की कटाई मड़ाई और MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। MSP पर खरीद के लिए 6,000 केंद्र स्थापित किए गए थे, इन केंद्रों पर रिकॉर्ड खरीद हुई। भरपूर क्रय केंद्रों के कारण बाजार में भी किसानों को गेहूं का अच्छा दाम मिला। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 119 चीनी मिलों का संचालन किया। धान खरीद के लिए भी 4,000 क्रय केंद्र खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी में सब्जियों के निर्यात की बहुत संभावना है, इस दिशा में ठोस कार्य योजना तैयार करने की ज़रूरत है। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में CII उत्तरी क्षेत्र चेयरमैन निखिल ने उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र की असीम संभावनाओं को उत्साहवर्धन बताया। CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने 2021 तक 50,000 किसानों के साथ मिलकर कार्य योजना का भरोसा जताया। साथ ही कहा कि कुछ ग्रामीण मॉडल हॉट भी तैयार करके साथ ही उद्यमियों को कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। CII के पूर्व अध्यक्ष अजय श्रीराम ने कहा कि चीनी मिलों को खाद्य प्रसंस्करण के केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव MSME और सूचना नवनीत सहगल और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री व सूचना संजय प्रसाद सहित CII के अनेक प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। Handhold the MSME sector and to help them grow, the MSME Saathi application has been launched to resolve issues by them. So most of these actions will go a long way in terms of bridging any and all information gaps that exist between industry and the government. But just jab aap krishi kshetra par aaye sir, Uttar Pradesh sabse mahatvapurna aur sabse largest agricultural market hai, so sabse large agricultural bahut hi आपका स्टेट का पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत बहुत
तीन साल पहले जब हम सीआईआई का एक बहुत ही बड़ा 80 करोड़ का स्कीम लेके गए थे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक 2020 के आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष तथा अध्यक्ष सीआईआई एग्री एंड फूड एग्री वीक 2020 के अध्यक्ष श्री अजय एस श्री राम जी, महानिदेशक डायरेक्टर जनरल सीआईआई श्री चंद्रजीत बैनर्जी जी, सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष श्री निखिल सानी जी, उपाध्यक्ष श्रीमान अभिमन्यु मुंजाल जी, लखनऊ में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित कृषि उत्पादन के आयुक्त श्यालोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, एमएसएमई के हमारे अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल जी, अपर मुख्य सचिव उद्यान श्री मनोज सिंह जी, सीआईआई से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण मुझे बहुत प्रसन्नता है कि COVID-19 के बावजूद सीआईआई ने इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए 16 से 22 अक्टूबर के बीच में इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक 2020 का आयोजन किया है। हम सब इस बात को जानते हैं कि वैश्विक महामारी COVID-19 के इस कालखंड में जब देश में भी और दुनिया में भी अनेक सेक्टर व्यापक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, उन स्थितियों में कृषि सेक्टर ने हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान की है। और जब देश के आबादी के हिसाब से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार ही कृषि है। और कृषि में खाद्यान्न, सब्जी, चीनी और दुग्ध उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश आता है। COVID-19 के इस कालखंड में जो ये आयोजन हो रहे हैं, ये वास्तव में इस सेक्टर की प्रासंगिकता और इसके लिए जो व्यापक संभावनाएं हैं उनको भी ये प्रदर्शित करता है। मैं इसके लिए सीआईआई को इस प्रकार के आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि मार्च में भारत के अंदर COVID-19 ने दस्तक दी थी और 25 मार्च से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था। लॉकडाउन के इस दौरान भी प्रदेश में
हमारी रबी की फसल तैयार हो चुकी थी और उस दौरान कोविड 19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर रबी की फसल में गेहूं और अन्य जितने भी फसलें तैयार थी उसके लिए जो भी आवश्यक साधन और संसाधन प्रदेश के किसानों के लिए आवश्यक थे उन्हें उपलब्ध कराने और उसके माध्यम से अपने कृषि सेक्टर को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की थी। प्रदेश के अंदर किसानों की उपज का दाम उसे प्राप्त हो सके 6,000 के आसपास हम लोगों ने क्रय केंद्र स्थापित किए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है लगभग 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं और लगभग 39,000 मीट्रिक टन चने की खरीद हम लोगों ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से करने में स्वयं सफलता प्राप्त की। चूंकि राज्य सरकार ने व्यापक पैमाने पर क्रय केंद्र स्थापित किए थे इसलिए मार्केट में भी किसानों को अच्छा दाम मिला। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर कोविड 19 के इस कालखंड में भी हम लोगों ने अपनी सभी 119 चीनी मिलों का सफल संचालन भी किया। एक भी चीनी मिल से या एक भी प्रोक्योरमेंट सेंटर से कहीं भी कोविड 19 के संक्रमण की कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिली क्योंकि हम लोगों ने गाइडलाइन का भी पालन किया लेकिन साथ साथ किसानों के हितों को भी ध्यान में रख करके किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए इस पर विशेष ध्यान दिया। वर्तमान में भी खरीफ की फसल किसानों की तैयारी के साथ ही हम लोगों ने लगभग 4,000 स्थानों पर क्रय केंद्र स्थापित किए हैं और ये व्यवस्था सुनिश्चित की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में किसान को उपलब्ध हो। इसके तहत खरीदारी भी पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रही है। हमारे लिए कृषि और किसान कल्याण ये सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। कई दशकों से गरीबी और विपन्नता का दंश झेल रहा जो हमारा किसान है उसे आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए ही प्रदेश सरकार ने अनेक कार्यक्रम आने के बाद से प्रारंभ किए चाहे वह आते ही कृषि ऋण माफी की योजना हो चाहे वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक किसानों को दी जाने वाली इस सुविधा का लाभ हो या भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या किसानों के लिए दी जाने वाली उन तमाम प्रकार की सुविधाओं को उन्हें उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो व्यवस्थित रूप से इसे प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य किया गया। प्रदेश में किसानों और खेती किसानी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए इस दिशा में जो भी आवश्यक कदम समय समय पर उठाने की आवश्यकता थी प्रदेश सरकार ने इस दिशा में उस प्रकार के कदम उठाए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार का भरपूर सहयोग प्रदेश को इस संबंध में लगातार प्राप्त हुआ है और निरंतर अभी भी प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने कृषि निर्यात नीति जारी कर किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि निर्यात के प्रोत्साहन की भी एक पहल की है और उत्तर प्रदेश में मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला उत्तर प्रदेश
देश के अग्रणी राज्यों में एक है। उत्तर प्रदेश में हमारे 92% किसान लघु और सीमांत के दायरे में आते हैं, यानी छोटी जोत होने के कारण उन किसानों को आर्थिक उत्थान के लिए संगठित करना भी आवश्यक है। इस दिशा भारत सरकार ने अभी 10,000 एफपीओस के गठन के लिए जो कार्रवाई प्रारंभ की है, उसके अंतर्गत राज्य सरकार ने भी ये प्रयास प्रारंभ किया है कि हम लोग पहले चरण में उत्तर प्रदेश में हमारे पास 825 विकास खंड हैं। हर एक विकास खंड में हम लोग पहले चरण में एक एक एफपीओस का गठन करने की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है, और इसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि एफपीओस के माध्यम से उद्यमियों और प्रसंस्करणकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता हो सके। इस दिशा से यह कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है। किसान अपने उत्पादों को सुविधानुसार लाभकारी मूल्य पर विक्रय कर सकें, इस उद्देश्य के साथ 45 कृषि उत्पादों को हम लोगों ने प्रदेश में मंडी शुल्क से भी मुक्त किया है। इससे किसानों को स्वेच्छानुसार उनके उत्पादों के विक्रय का अवसर मिला है, जो उनकी आय में वृद्धि में उपयोगी सिद्ध होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो घोषणा की है, उत्तर प्रदेश ने उसके अनुरूप अपने यहां कार्रवाई प्रारंभ की है। इससे संबंधित प्रस्ताव हम लोग भारत सरकार में पहले प्रेषित कर चुके हैं, और हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की फसलों के सुरक्षित भंडारण हेतु सहकारिता विभाग के द्वारा आगामी 4 वर्ष में न्याय पंचायत स्तर पर 100 मीट्रिक टन से लेकर 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के 5,380 गोदामों के निर्माण हेतु 2,600 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। इससे 8,50,000 मीट्रिक टन फसल को सुरक्षित रखने की एक भंडारण क्षमता तृप्त प्रदेश के अंदर सृजित होगी। प्रदेश की 27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। 24 मंडियों में फल सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चैम्बर्स की सुविधा का भी निर्माण वर्तमान में किया जा रहा है। राज्य में पहले से उपलब्ध जनपद लखनऊ व सहारनपुर के 2 मैंगो पैक हाउस के अतिरिक्त जनपद अमरोहा और वाराणसी में 2 मैगो पैक हाउस का निर्माण वर्तमान में कराया जा रहा है। प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमारी जो योजना है, इसको बढ़ावा देने के क्रम में कृषि पर आधारित उत्पादों पर विशेष बल दिया जा रहा है। इससे किसानों को सीधे लाभ प्राप्त हो सके, और इसी क्रम में उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि में 37,805 उद्यमों के उन्नयन का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका बेसलाइन सर्वे और ODOP का चिन्हांकन पूर्ण कर लिया गया है, और बहुत शीघ्र मंत्रिपरिषद से इसे अपनी स्वीकृति भी प्राप्त होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर जनपद समेत हमारे 11 जनपद काला नमक चावल के लिए GI सूची में दर्ज किए गए हैं। इससे बासमती के साथ साथ काला नमक चावल के क्षेत्र में भी प्रदेश अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकेगा। यह उपलब्धि विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी कारगर सिद्ध होगी। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली श्री नरेंद्र देव
कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, कृषि विज्ञान केंद्र गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया का एक मेगा प्रोजेक्ट जो नेटवर्किंग मोड पर हम लोगों ने स्वीकृत किया है। निजी क्षेत्र के लाइसेंसधारी शीतगृह जिनकी भंडारण क्षमता 4000 मीट्रिक टन से कम न हो और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जिनकी क्षमता 10 टन प्रतिदिन से अधिक प्रसंस्करण करने की है, ऐसे सभी इकाइयों को मंडी उपस्थल घोषित किया गया है। मंडी उपस्थल को राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष के लिए शुल्क और बैंक गारंटी से भी हमने उसे मुक्त किया है। वाराणसी व आसपास के क्षेत्रों में किसानों द्वारा उगाई गई सब्जियों के निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं। गत वर्ष यहां से अरब देशों को सब्जियों का निर्यात किया गया था। सरकार द्वारा गठित किए गए कृषि उत्पादक संगठनों द्वारा संगठित रूप से अधिक मात्रा में सब्जियों का उत्पादन होने से इसके निर्यात की संभावनाएं और विकसित होंगी। भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी कृषि हितकारी अधिनियम के माध्यम से किसानों को अपने उत्पाद कहीं भी विपणन तथा उसके भंडारण की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अतिरिक्त किसान या किसानों के समूह अपने उत्पाद और लाभकारी विपणन के लिए उद्यमियों से करार कर सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उद्यमता की संभावनाएं विकसित होंगी। इससे प्रदेश के किसानों के साथ ही उद्योग जगत को भी भरपूर लाभ प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि CII के इस आयोजन से प्रदेश के किसानों और कृषि क्षेत्र को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। साथ ही इसमें प्रतिभाग कर रहे उद्यमी प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए विभिन्न फसलों, सब्जियों, फलों, दुग्ध तथा अन्य क्षेत्र में उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए भी प्रेरित होंगे। मैं एक बार फिर से CII के इस आयोजन के लिए हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो व्यापक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के माध्यम से प्रदेश के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के केंद्र और प्रदेश सरकार के इस अभियान में CII भी अपना योगदान निरंतर हमें उपलब्ध कराएगा। मैं एक बार फिर से आपके इस पूरे आयोजन के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।